बस खुश रहो दोनों। दृष्टि चल। बुलबुल मैं समझता हूँ कि आज तुम और माँ इतना घबरा के हो गए थे, लेकिन ट्रस्ट मी बुलबुल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिससे हमारे रिश्ते और हमारी शादी पे कभी भी आंच आए। तुम मुझ पे भरोसा रखो, और मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमारे रिश्ते पे कभी भी आंच नहीं आने दोगे, है ना? बुलबुल देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मैं तुम्हें आज फिर से कह रहा हूँ, तुम्हारे दिल में कभी भी किसी भी तरह की कोई बात हो जो तुम्हें लगता है तुम्हें शेयर करनी है, तो मेरे पास आओ और मुझे बताओ। हम दोनों साथ में उस बारे में बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व करेंगे। मैं हमेशा हूं, तुम मुझसे दिल खोल कर बात कर सकती हो, ठीक है? फिल्म देखने का मन है क्या तुम्हारा? नहीं, आज नहीं। ठीक है, वो मैंने अपने दोस्त को फिल्म की दो टिकट बुक करने के लिए कहा था, मैं उसे मना कर देता हूँ। हेलो विजय, कार्तिक आर्यन की फिल्म की दो टिकट्स बुक करने के लिए कहा था ना, वो कैंसिल कर दो। हाले कार्तिक आर्यन, नहीं 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 नहीं, मैंने अपनी वाइफ से बात की, अब उसका मन नहीं है फिल्म जाने। हाँ, मेरी बात। नहीं 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 भाई साहब, अब मत करना कैंसिल, मारे को देखनी है कार्तिक आर्यन की फिल्म। हेलो हेलो विजय, फोन तो लगा ही नहीं था। क्योंकि मैंने लगाया ही नहीं था। आप फिर से मारी फिरकी ले रहे थे। बुलबुल अभी जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी सुंदर सी मुस्कुराहट आई ना, वो इतनी क्यूट लगती है तुम्हारे चेहरे पर, हमेशा इस मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर रखा करो, क्योंकि इस मुस्कुराहट के बिना तुम्हारा चेहरा फीका लगता है। फिल्म देखनी है कार्तिक आर्यन वाली? हाँ देखनी है ना। कार्तिक आर्यन वाली फिल्म डन। थैंक यू। सॉरी। अरे नहीं नहीं, अच्छा लग रहा था, कंटिन्यू। तुम नाच लो तो अंदर आ जाना, तब तक मैं कार्तिक आर्यन वाली फिल्म की तो टिकट बुक कर लेता। थैंक यू। ये शाबाश। बुलबुल अंदर आओ। यही है बुलबुल भाभी, इन्होंने ही आपके लिए बनाई है ये प्याज वाली कचौड़ी। आपको याद है ना ये कौन है? आप मेरी दोस्त बनोगी? आज तुमने मेरी फेवरेट चीज बनाई है ना, अगली बार वीर भैया की फेवरेट चीज बनाना। ओके। नहीं नहीं, अभी ये खाना बनाना सीख रही है और अभी इतनी जल्दी मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाला। अच्छा, उस दिन मुंह दिखाई वाले दिन तो आप ही रबड़ी खा रहे थे, तीन कटोरी तो आपने ही चट कर दी थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस दिन भी आप चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे ही देख रही थी। नहीं। और अपनी बनाई हुई कचौड़ी भूल गई? इतनी मजबूत पत्थर जैसी, जो मेरे सर पे लगी तो आज भी कई बार दर्द उठ जाता है। वीर भाई क्या? पर आज की कचौड़ी तो कितनी अच्छी बनी है, वाणी जी ने भी तारीफ कर दी, अच्छी है ना? हाँ। वैसे
आपको खाने में क्या पसंद है? घेवर। घेवर और वो बनाना भी सबके बस की बात है नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड को खिलाओ। भैया को खिलाओ। मैं आपको खिलाती हूँ ना। नहीं, जब तक तुम वीर भैया को नहीं खिलाओगी मैं नहीं खाऊंगी। लो खिलाओ। मेरा बाला मथनदार ओ जीरे, सुन लो मेरा बाला मथनदार ओ जीरे, हिमड़ो कहता चिका भाभी की कचौड़ी से भी ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू। अचानक से सबको माँ के हाथ की बनाई कचौड़ी से ज्यादा अच्छी इस बुलबुल चाची की बनाई कचौड़ी पसंद आने लग गई। बुलबुल चाची अब यहाँ क्या कर रही है? मैंने आपको क्या कहा था कि दादी आपको नीचे बुला रही है? कितनी बार मुझे ऊपर नीचे करवाओगे आप? अर्निका, ये क्या तरीका अपनी चाची से बात करने का? वर्णिका की कोई गलती नहीं है। उसने 5 मिनट पहले ही मारी को बोला था कि मासा बुला रही है। मैं ही खाने बैठ गई थी। मैं जाती हूँ। बुलबुल नहीं, मैं जाती हूँ। मासा बुला रही है। अम्मा, माँ सॉरी, ये सब कुछ मैं तो बस बुलबुल की भलाई के लिए पंडित जी के पास गई थी। मेरी वजह से बुलबुल आज उस घर में, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ। दृष्टि, अब इस सब के बारे में मत सोच। कवरसा और बुलबुल की किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी है। वो अब हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। चल।
जी मासा आई। मासा मारे को माफ कर दीजिए, मारी वजह से कुंडली का इतना बड़ा ड्रामा हो गया, मेरी ही वजह से थानेदार साहब और पापा साहब के खिलाफ हो गए, माफ कर दीजिए। तुम्हारे पति ने तुम्हारा साथ दिया, ठीक किया, और मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया, ये हम दोनों के बीच की बात है। किसी तीसरे को हम दोनों के बीच आने की कभी इजाजत नहीं दी है मैंने। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है, लेकिन मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। कल महाशिवरात्रि है, ये त्योहार हमारे घर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे विधि विधान से सब लोग सारे नियम का पालन करते हैं और ये त्योहार मनाते हैं। सबसे पहले इसमें निर्जला व्रत होता है। निर्जला व्रत क्या होता है पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ जानती हूँ ना, पूरे दिन अन्न का एक भी दाना ना खा सकते, पानी तक नहीं पीते, उसमें पूजा संपन्न होने के बाद ही जो पूजा का प्रसाद होता है उससे व्रत खोलते। मारी गुड़ की ढेली भी रखती थी ना, तो मारे को पता है सारे नियम। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि बहुत ही कठिन व्रत है ये। लगता है मासा भी कल निर्जला व्रत रखेंगी। बुलबुल मासा आप है ना बिल्कुल चिंता मत करिए, आप आराम से निर्जला व्रत रखिए, सारा खाना मैं खुद बना लूंगी, सब कुछ मैं देख लूंगी। मैं अकेले निर्जला व्रत नहीं रख रही हूँ, तुम भी मेरे साथ निर्जला व्रत रखोगी। हले मैं भी। वो क्या है ना कि 3 साल से मैं यहाँ नहीं थी, इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत इस घर में नहीं रखा गया, इसीलिए इस बार हम भव्य तरीके से महाशिवरात्रि मनाएंगे, सारे रीति रिवाज निभाएंगे, रुद्र अभिषेक वीर और तुम शादी के बाद पहली बार एक साथ करोगे, इस पूजा में तुम दोनों साथ बैठोगे, महाशिवरात्रि में सारे विधि विधान से अगर एक जोड़ा पूजा करता है, जल चढ़ाता है महादेव पे, तो कहते हैं कि उसकी जोड़ी हमेशा बनी रहती है, उसकी जोड़ी को कोई भी तोड़ नहीं सकता। और तुम्हें महाशिवरात्रि का प्रसाद अपने हाथों से बनाना होगा। देखो बुलबुल, अगर तुमसे कोई भी गलती की गुंजाइश है या तुम्हें कुछ नहीं आता तो मुझे बता दो, मैं नहीं चाहती कि इतने सारे मेहमानों के सामने दोबारा से कोई तमाशा हो या हमारा सर सबके सामने दोबारा शर्म से झुक जाए। नियम बहुत ही कड़े हैं, कर पाओगी ना? हाँ? मुंह दिखाए की तरह कोई गलती तो नहीं होगी? जी मास्टर। जी मासा, आपने मारे को जैसे सिखाया है मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि जो तुम कह रही हो वो करके दिखाओगी, तुम पर विश्वास कर लेती हूँ, और फिर देखते कि महाशिवरात्रि के बाद कितने नंबर मिलते हैं तुम्हें। बुलबुल बिंदड़ी, सुलक्षणा सुनना सुनो, अरे मारी बात तो सुन जा, रुक जा, नाराज है महाराज से तो फिर मुस्कुरा दे, ठंडक पड़ गई। पर तू व्रत कैसे कर सके, तू अभी अभी अस्पताल से लौटी है, जरूरी थारा और बिंदनी का इतना कठिन उपवास रखना जरूरी है? देख सुलक्षणा, तू बेशक मुझसे नाराज हो जा, पर मैं आपसे नाराज नहीं, आप सब मेरे विश्वास के आड़े आए थे,
लेकिन अपनी श्रद्धा के आड़े में किसी को नहीं आने दूंगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर की और वीर की भलाई के लिए कर रही हूँ, और बुलबुल को भी वही करना होगा। ऐसा आपको तो पता है ना, बचपन से ही मारा और आपका 36 का आंकड़ा है। ना मारे को कभी आपकी बात समझ में आई है, ना आपको मारे नंबर। लेकिन इस बार आप मारे से कट्टी से बट्टी कर लो ना, क्योंकि इस बार तो मारे को बस कैसे भी 10 में से 10 नंबर ही चाहिए। लगता है फोन भाई साहब ही कोई मदद कर पाएंगे मारी। दही, बेलपत्र और दूध। खाटू श्याम जी, आपको तो पता है ना, बचपन से ही मारे को पढ़ाई से ज्यादा पूजा पाठ करने का ही शौक है। लेकिन इस बार है ना, मारे को डर लग रहा है, बिल्कुल वो एग्जाम से पहले वाला डर होता है ना, वैसा डर। क्योंकि कल शिव जी का बहुत बड़ा दिन है, और अगर मारे से कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मासा मारे को छोड़ेगी नहीं। खाटू श्याम जी, इस बार जैसे मासा चाहती है ना, बस सब कुछ वैसे ही हो और मारे को ना अच्छे अच्छे नंबर मिल जाए। अरे थानेदार साहब, आप अभी तक सोए नहीं? वो चूहों ने धमा चौकड़ी मचाई हुई थी ना, इसलिए आँख खुल गई। चूहे, चूहे कहाँ है? चूहे कहाँ है? चूहे बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल के चूहे। ओह, अरे जब भूख लगती है तब जो चूहे आते हैं वो चूहे। अरे पर इतनी रात को? बुलबुल, भूख है कभी भी लगती है, पूछ के थोड़ी ना लगती है। हाँ, मैंने तो खाते खाते और ज्यादा भूख लग जाती है। अभी लगी है? की बात छेड़ी गई है तो लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी लग रही है। लेकिन अगर ये पता चल जाएगा ना कि इतनी रात को हम क्या खाएंगे, तो ये भी पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा लगी है। तो फिर खाने को मिल सकती है ठंडाई। ठंडाई और नहीं तो क्या? अभी हाँ, गाढ़े गाढ़े दूध में मीठी मीठी किशमिश, और साथ में घुटी हुई और पिसे हुए काजू, बादाम, केसर, गुलकंद, पिस्ता और बस, बस 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 बहुत जोर से लग गए। अब तो ना चूहे हमारे पेट में घूम उठा रहे। मैं जल्दी से सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम। अब बनेगी ठंडाई, कल आओगी तुम माँ की परीक्षा में अव्वल। तो सारे घर वाले जग जाएंगे ना। अरे मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन अंधेरे में हम ठंडाई कैसे बनाएंगे? अरे हम कुछ परफेक्ट जगह पे पड़ा है सिलपट्टा, इधर। बुलबुल, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ठंडाई बनाने के लिए है सिलबट्टा, और इस पे पीसने के लिए काना कहां गए बांके दुख दूर करो। काना कहां गए बांके दुख दूर करो, मतलब इसे ठंडाई का क्या लेना देना है? इस लाइन के हर एक शुरुआती अक्षर से इस पे पीसने वाली एक एक चीज का नाम जुड़ा है। अब ध्यान दो, मैं बता दू। देखो, काना कहां, काना काजू, कहां मतलब कि किशमिश, गए से गुलकंद, इसके बाद बांके, ब से बादाम, दुख,
से दूध, दूर से दालचीनी और करो केसर। गाना कहाँ गए बाके दुख दूर करो। शुरू करें। सबसे पहले काजू, बादाम और इसे इस सिलबट्टे पर ऐसे तक कभी अपनी रसोई में कदम रखते हुए भी ना देखा, लेकिन थानेदार साहब उन्हें तो सब करना आता है। कितने अच्छे हैं थानेदार साहब।